प्रणाम दोस्तों दोस्तों अभी के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आप लोग को जो CUIMS ID मिलता है उसको कैसे आप लोग यूज कर सकते हो, कैसे चला सकते हो, क्योंकि आप लोग में से ही काफी सारे लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि मेरे को चलाने नहीं आ रहा है, या फिर आप लोग चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे तो आप लोग को CUIMS ID मिलेगा, तो आपसे मतलब वो चला नहीं जाएगा। फ्रेंड्स ये देख सकते हो कि मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और साथ ही साथ LMS ID भी आप लोग को दिया जाता है ताकि उसपे आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट कर सको जब आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे एडमिशन ले लोगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। फिलहाल ये रहा मेरा आईडी कार्ड, थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज से कैंड ब्लर कर दूंगा तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज को लेकर के, ठीक है। ये रही मेरी UID और UID के तहत आप लोग अपना CUIMS पे जा करके स्टूडेंट लॉग इन और LMS लॉग इन कर सकते हो। फ्रेंड्स अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि CUIMS ID में जो आप लोग को कह रहा हूँ कि आखिर ये है क्या, ये है क्या, तो इसको ध्यान से समझना। जैसे कि आप लोग को याद हो कि आप लोग 5 क्लास 6 क्लास में मतलब पढ़ते होंगे कोई भी स्कूल में, तो आप लोग को एक स्टूडेंट ID दिया जाता होगा, ID, ठीक है। और आप लोग अभी इंडिया के सिटीजन हो तो पता कैसे चलेगा कि आप इंडिया के सिटीजन हो, आधार कार्ड से पता चलेगा, आपका पैन कार्ड से पता चलेगा। तो वैसे ही पता कैसे चलेगा कि आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, पहली नंबर तो आपको ये दी जाएगी और दूसरा प्लेटफॉर्म आपको ऑनलाइन CUIMS ID दी जाएगी जिसके तहत आपको पता चलेगा कि हाँ ये बंदा जो है वो CU मतलब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ है। तो ये होता है CUIMS ID जिसके तहत आप लोग को सब कुछ समझाने वाले हैं। फिलहाल ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाली है क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, और साथ ही साथ जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जरूर कर देना क्योंकि स्टूडेंट रिलेटेड हेल्प आप लोग को इस वीडियो पे जरूर मिलेगी इस चैनल पे। मिलते हैं, चलो मैं आप लोग को लैपटॉप के होम स्क्रीन पे ले जाता हूँ और वहां पे मैं आप लोग को सब कुछ समझाता हूँ कैसे क्या होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग का फ़ोन का स्क्रीन या फिर आप लोग के लैपटॉप का स्क्रीन के गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आप लोग को टाइप करना है CUIMS। सबसे पहला वाला यहाँ पे लिंक आएगा वेलकम टू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन, उस पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड दिखेगा, स्टूडेंट लॉग इन, LMS लॉग इन, स्टाफ लॉग इन और एडमिशन लॉग इन। हम लोग को मतलब है स्टूडेंट लॉग इन से और LMS लॉग इन से। तो स्टूडेंट लॉग इन पर क्लिक करने के बाद आप लोग को CUIMS ID यहाँ पे आप लोग को डालना होगा, नेक्स्ट करना होगा, पासवर्ड डालना होगा और कैप्चा डालना होगा, फिर लॉगिन करना होगा। आगे वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा। फिलहाल ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो स्किप मत करना अगर आप लोग चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। खुल जाएगा तो जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो हाइलाइट्स वगैरह रहता है उसका पर डे का कुछ हाइलाइट्स होता है जो कि डिस्प्ले पे आप लोग देख पा रहे हो, तो ये सब आप लोग देख पा रहे हो तो फिर से आपको क्या करना है, कट करके फिर से आप लोग को लॉगिन करना है क्योंकि कभी कभी होम पेज के कारण यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम चलता है कि आप लोग फिर से लॉगिन नहीं कर पाते हो। एज लाइक यहाँ पर मैं फिर से आप लोग के सामने लॉगिन कर लेता हूँ और मैं आप लोग को LMS ID के बारे में भी बताऊँगा कि आपका जो असाइनमेंट्स वगैरह मिलेगी आपके क्लासरूम में वो सब आपको कहाँ सबमिट करेंगे, ऑनलाइन सबमिट करने पड़ते हैं बाबू, समझ लेना स्टूडेंट्स, इसलिए बोल रहा हूँ, अच्छे से इस वीडियो को देख लो। तो CUIMS यहाँ पर हम लोग खोल लेते हैं। खोलने के बाद यहाँ पे देखो साइड में इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है कि भैया आपका 5 फोटो पेंडिंग है, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, माइग्रेशन पेंडिंग है, ये सब पेंडिंग है तो जाकर के रूम 0204 में जाकर के सभी को सबमिट कर दीजिए। देख पा रहे हो ना यहाँ पे, और नीचे देखो नीचे आप लोग देख पा रहे हो कि वेब टेक्नोलॉजी, एडवांस इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैब, डेटा एनालिटिक लैब, अटेंडेंस भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 93.02, 78.57। आप लोग को मैं एक बात बता दूँ कि अपना जो अटेंडेंस होगा वो आप लोग 90% के ऊपर रखिएगा क्योंकि 90% के ऊपर रखिएगा दोस्तों तो आप लोग को मिलेगा 2% ग्रेस, मतलब कि हर एक मार्क्स में, हर एक सब्जेक्ट में 2 मार्क्स आप लोग को इम्प्रूव करके दिए जाएंगे अगर आपका अटेंडेंस 90% के ऊपर रहता है। अगर आप लोग कुछ अदर वर्क करते हो तो आप लोग ध्यान रखना कि आपका अटेंडेंस 75 से कम नहीं हो, क्योंकि 75 से कम होगा तो आप लोग एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, एग्जाम भी नहीं दे पाओगे, MST वगैरह होती है, फाइनेंस वगैरह होती है। तो और यहाँ पे आप लोग साइड में प्रोफाइल देख पा रहे हो तो मैं अपने माय प्रोफाइल पे क्लिक करता हूं और प्रोफाइल में आप लोग को दिखाता हूं। प्रोफाइल में देखो मैं बिहार मतलब मैं बिहार लोन से पढ़ाई कर रहा हूं। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हो तो जाकर के देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पढ़ाई कैसे करें अगर आप लोग बिहार से स्टूडेंट हो और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ाई वगैरह करना चाहते हो तो फाइनली इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लो। ये रहा मेरा प्रोफाइल।
देख सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर का जो फीस था मेरा 56,675 रुपये का था। और यहाँ पे अगर आप लोग को वापस बैक आना है तो यहाँ पे आप लोग को एक घर का साइन दिखेगा, देखो यहाँ पे घर का साइन, तो घर के साइन पे क्लिक करने के बाद आप लोग पूरे के पूरे फिर से CUMS के डैशबोर्ड पे पहुँच जाओगे। तो ये रही कुछ बातें जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब यहाँ पे आप लोग डैशबोर्ड देख पा रहे हो, यहाँ पे दिशा मैम का यहाँ पे ईमेल है, ये मेरी कोऑर्डिनेटर है, तो जो भी प्रॉब्लम होता है मैं इनको ईमेल करके इनसे पूछ लेता हूँ, चाहे जो भी प्रॉब्लम्स होती है ये बता देती है, हेल्प कर देती है। आप लोग का कौन सा कोऑर्डिनेटर आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेक्स फी पेमेंट CU लाइव और यहाँ पे स्टूडेंट सेंटर एंटी रैगिंग माई यूनिवर्सिटी ईमेल सब कुछ मैं आप लोगों को क्लिक करके दिखाता हूँ। फी पेमेंट पे मैं क्लिक कर दिया हूँ, थोड़ा सा ब्लर कर देता हूँ क्योंकि ये सब थोड़ी सिक्योरिटी पर्पस के कारण करना पड़ता है भाई, समझ रहे हो ना। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो स्टूडेंट्स। और यहाँ पे देखो स्टूडेंट सेंटर दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके आप लोग को सारा कुछ समझाने वाला हूँ। ड्यूटी लीव कैसे लगाते हैं आने वाले वीडियो में गाइस, मैं आप लोग को ड्यूटी लीव बताऊंगा। फिलहाल इसमें आप लोग को असाइनमेंट्स कैसे सबमिट करते हैं, CUMS ID कैसे चलाया जाता है, ये सभी के सभी परफॉर्म मैं इस वीडियो में आप लोग को बता रहा हूँ। एंटी रैगिंग का एक यहाँ पे PDF फाइल डाउनलोड होता है जो कि मैं आप लोग को दिखा दूंगा अपने फेसबुक पे, तो डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, तो फॉलो वगैरह कर सकते हो। और ये रहा आपका मेरा यूनिवर्सिटी का ईमेल आईडी पासवर्ड, तो ब्लड में तो मैं कर ही दिया हूँ, तो यहाँ से आप लोग ईमेल भी कर सकते हो। फिलहाल फिर से होम पे चलते हैं और मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि देखो लेफ्ट साइड में एकेडमिक्स अकाउंट्स ये सब जो दिख रही है ना, इससे आप लोग का बहुत बड़ा मायने रखता है भैया, यही आप लोग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अकेडमिक्स जाता हूँ अकेडमिक्स में और यहाँ पे माई अटेंडेंस, अटेंडेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए, हर एक कॉलेज हर एक बड़े बड़े कॉलेज के लिए अटेंडेंस सबसे ज़्यादा मायने रखता है। देख सकते हो रेड वाला है ना, रेड वाला यानी कि 75 से कम है, जैसे ही 75% से कम हुआ आपका अटेंडेंस तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो, MST के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो इसलिए अपना अटेंडेंस का थोड़ा सा गुना भाग घटाओ, सब कुछ करके ही अच्छे से अटेंडेंस देना भैया, ठीक है। देख सकते हो इसमें मेरा यहाँ पे कितना परसेंट अटेंडेंस है, देखो 93% अटेंडेंस है, वाह। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 76% है, इसमें भी है 82%, बस रेड वाला जो है 62% है, तो उसको मेरे को 75% करना होगा। कुछ लेक्चर बचे हुए हैं जो कि मैं कंप्लीट करके उसको 75 कर लूँगा। फिलहाल यहाँ पे आप लोग वेब टेक्नोलॉजी है, एडवांस इंटरनेट प्रोग्रामिंग है, डेटा एनालिटिक लैब है, एडवांस इंटरनेट प्रोग्रामिंग है, डेटा एनालिटिक है, ब्लॉकचेन्स वगैरह है, तो ये सब के अटेंडेंस आप लोग देख पा रहे हो। करंट सेशन मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि मैं किस सेशन का, मतलब सब कुछ आप लोग का पूरा बायोडेट CUMS पे अपलोड रहता है, आप लोग सब कुछ देख सकते हो। माई कोर्स एंड प्लान्स में जाता हूँ अकेडमिक्स में क्लिक करके, तो यहाँ पे मेरे को बता रहा है कि सेकंड सेमेस्टर का आपका कौन से पढ़ाई करनी है, कौन कौन से थ्योरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कौन कौन से प्रैक्टिकल थ्योरी सब्जेक्ट है, ये सब पे ध्यान रखना होगा। उसी के साथ साथ एकेडमिक्स में यहाँ पे माई टाइम टेबल था और यहाँ पे माई मतलब वो रूटिंग्स वगैरह था, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके चेकआउट कर सकता हूँ। कोर्स टाइटल देख सकते हो और यहाँ पे नीचे देखो स्टूडेंट मॉक्स रजिस्ट्रेशन, इन सभी से कोई मतलब नहीं है। स्टूडेंट लीव एप्लीकेशन देखो यहाँ देखो, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, स्टूडेंट लीव एप्लीकेशन, क्योंकि अगर आपको छुट्टी चाहिए या फिर आपके पैर में चोट लग गया है, हाथ वगैरह कट गया है, ड्यूटी लीव मेडिकल लीव सब आ रहा था ना, तो क्या करना है आप लोग को, ये मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में पर्सनल करके बताऊंगा अगर आप लोग कमेंट करोगे, क्योंकि ड्यूटी लीव और मेडिकल लीव कैसे लगाते हैं, और उस दिन का अटेंडेंस आप लोग का माइनस भी नहीं जाएगा, अटेंडेंस कम भी नहीं होगा, और वो अटेंडेंस आप लोग को आगे जा करके बाद में मिल जाएंगी। तो इस बारे में आप लोग चाहिए वीडियो तो नीचे कमेंट जरूर कर दो स्टूडेंट्स, ठीक है, ताकि मैं आप लोग को फ्रेंड्स बता सकूं कि कैसे हाउ टू अप्लाई ड्यूटी लीव ऑन CUMS ID। ओके फिलहाल आगे बढ़ते हैं एकेडमिक्स में, आप लोग को जितनी सारी चीज़ें जी मैंने आप लोग को बता दी, फाइनली मॉक ये सबसे आप लोग को कोई मतलब नहीं है। और हाँ, यहाँ पे आप लोग जैसे जाओगे अकाउंट्स रिसिप्ट में, तो अकाउंट्स के बारे में आप लोग को बता दिया जाएगा कि आपके फीस कितने पेंडिंग है, आपका जो पैसा है वो आपने पूरे के पूरे सबमिट कर दिए हैं, आप लोग रिसिप्ट भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओवरऑल बात करें इस मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया है, एकदम मस्त है, कोई दिक्कत नहीं होता है, बस आप लोग थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे मतलब कंट्रीब्यूट करना एकदम अच्छे से इनके साथ। और यहाँ पे हम लोग नीचे चलते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड, असाइनमेंट्स अपलोड, ये सबसे आप लोगों को मतलब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मैं आप लोग को वही बता रहा हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखो अप्लाई फॉर लोन डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल लोन, आप लोग पर्सनल लोन ले सकते हो CUI मतलब CU से, ठीक है, लोन आप लोग पर्सनल ले सकते हो। इस पे भी ये चाहिए तो मैं आप लोग को एक डेडिकेशन वाली वीडियो दे दूंगा इस पे कि CU से लोन कैसे ले और पढ़ाई कैसे करें, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। फिलहाल आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे मेरे को डेटा शीट बताता है कि आप लोग का जो एग्ज़ाम्स वगैरह आने वाला है वो कब आने वाला है, जो पिछला एग्ज़ाम हो गया है उसके रूटिंग्स क्या थे। तो MST 1 यानी कि आप लोग का पिछला मेरा सेकेंड सेमेस्टर का MST 1 हो गया था, तो उसका रूटिंग आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। देखो 14 मार्च का है ये, ठीक है, 16 मार्च को, 15 मार्च को मेरा MST 1 हुआ था, तो कई इस टाइप से मेरा यहाँ पे सब कुछ बता देता है। एंड थोड़ा सा यहाँ पे एक और सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोग को यहाँ पे दिखेगा रिजल्ट,
अगर आप लोग एमएसटी एग्जाम दे दिए हो या फिर अपने क्लास में कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम टेस्ट वाई क्वेश्चन वगैरह दे दिए हो तो उसका आंसर आप लोग को यहाँ पे अपलोड हो जाता है। देखो मैं आप लोग को चेकआउट करके दिखाता हूँ। फाइनली यहाँ पे देख सकते हो कुछ यहाँ पे थोड़ी सी खराब मार्क्स आ गई थी क्योंकि कुछ मतलब वाइवा क्वेश्चंस वगैरह मतलब समझ रहे हो ना। और यहाँ पे डेटा एनालिटिक लैब्स के देखो आंसर मेरे मस्त यहाँ पे मेरे को मार्क्स देखने को मिले 30 में से 27। फाइनली यहाँ पे आप लोग क्लिक करके देख सकते हो स्टूडेंट मार्क्स भी, रेगुलर स्टूडेंट हो तो रेगुलर देख सकते हो, ऑनलाइन स्टूडेंट हो तो ऑनलाइन भी आप लोग सब कुछ सेटिंग्स वगैरह यहाँ पे दी रहती है देख सकते हो। स्टूडेंट मार्क्स भी, रेगुलर, रिपीटर सब कुछ है। फिलहाल नीचे आप लोग को एक और ऑप्शन देखने को मिलता है लाइब्रेरी, तो अगर आप लोग लाइब्रेरी में जाकर के बुक्स वगैरह इशू करवाते हो तो यहाँ पे आप लोग का पूरा बायोडाटा बता देगा कि हाँ ये बंदा जाकर के ये सब बुक परचेज करवाया है। और यहाँ पे माई प्रोफाइल वाला आप लोग को ऑप्शन भी दिख जाता है तो यहाँ से आप लोग भी माई प्रोफाइल पे जा सकते हो। फिलहाल आप लोग को एक और ऑप्शन यहाँ पे दिखता है DCPD। जब आप लोग चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि DCPD क्या होता है। आपके कमेंट बेसिस पे मैं DCPD के बारे में बताऊंगा क्योंकि ये प्लेसमेंट से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये थी आप लोग की CUMS स्टूडेंट लॉगिन। अब मैं आप लोग को LMS लॉगिन बताता हूँ। LMS लॉगिन होता क्या है कि आप लोग का जो क्लास वर्क दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है आप लोग को प्रोफेसर्स के द्वारा कि हाँ आप लोग को ये असाइनमेंट है 2.2, 2.1, 1.3 वाइवा क्वेश्चंस, क्विज क्वेश्चंस, ये सब जो आप लोग को सबमिट करनी होती है ऑनलाइन, ये सब आप लोग LMS पे कर सकते हो। तो जो LMS का ID पासवर्ड होता है वही CUMS का ID पासवर्ड होता है, आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हो। और जो आप लोग का CUMS ID पासवर्ड होता है वही आप लोग का LMS ID पासवर्ड होता है, इस बात को आप लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। और अपना ID पासवर्ड किसी को नहीं दीजिएगा भैया, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को LMS खोलने के बाद कुछ इस टाइप से आप लोग को स्ट्रक्चर, इसका बैनर, इसका डैशबोर्ड देखने को मिलता है जो कि एकदम सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त है। LMS यही काम करता है कि गाइस आपका जितना सब्जेक्ट है, जिस सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, मैं सेमेस्टर 2 में हूँ और मेरा जो सेमेस्टर 2 का सब्जेक्ट है पूरा LMS पे यहाँ पे बताया जाता है कि भैया आप लोग का जो सब्जेक्ट है ये है और इसमें आप लोग को असाइनमेंट मिली होंगी जो क्लास में लोग को दी गई है, यहाँ पे अपलोड होता है, जो कि मैं सबसे पहले आप लोग को लाइन बाई लाइन करके बताने वाला हूँ। डैशबोर्ड आप लोग देख पा रहे हो, डैशबोर्ड ये आप लोग का डैशबोर्ड है कि आपने कब वर्कशीट सबमिट करी, आप लोग को कब वर्कशीट मिलेगा। उसी के साथ साथ आप लोग का यहाँ पे प्रोफाइल है, प्रोफाइल पे आप लोग को यहाँ पे फोटो नहीं दिखने को मिलता है किसी ग्लिच के कारण, तो इससे आप लोग को कोई भी टेकओवर नहीं करनी है, कोई भी माइंड नहीं लेनी है, तो जो भी है ओवरऑल सब कुछ बढ़िया है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे कैलेंडर देखने को मिलता है, तो कैलेंडर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और हाँ, आप लोग यहाँ पे फ़ोन में भी यूज कर सकते हो इस एप्लीकेशन को, इस वेबसाइट्स को, और आप लोग इसको कंप्यूटर के होम स्क्रीन में भी चला सकते हो। पूरा का पूरा टोटल फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ इसका सही है, तो फ़ोन में और लैपटॉप में और पीसी में जहाँ है टैब में सब कुछ आप लोग CUMS जहाँ हो वहाँ खोल करके सब कुछ कर सकते हो। अब मैं आप लोग को दिखा देता हूँ जो कि मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले बताया कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट यहाँ पे रहता है, ब्लॉकचेन एंड इट्स एप्लीकेशन, कोड है 22CAT680, यहाँ पे डेटा एनालिटिक का कोड है, यहाँ पे एडवांस इंटरनेट प्रोग्रामिंग है, फिर सॉफ्ट स्किल की क्लास चलती है तो वो भी आप लोग को यहाँ पे दी गई हुई है, वेब टेक्नोलॉजी भी है, डेटा एनालिटिक लैब भी है, लैब का सब्जेक्ट, थ्योरी का सब्जेक्ट, ओवरऑल LMS पे सब कुछ रहता है सब्जेक्ट वाइज। आप लोग एक्सेस करके यहाँ पे सबमिट कर सकते हो अपने होमवर्क, अपने वर्कशीट, अपने असाइनमेंट्स। कैसे सबमिट करने हैं अभी मैं आप लोग को जस्ट दिखाने वाला हूँ, पहले मैं आप लोग को सब्जेक्ट्स वगैरह दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे एडवांस इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैब का भी आप लोग का कोर्स का सब्जेक्ट दिया गया हुआ है, ब्लॉकचेन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो फिलहाल आप लोग का जो भी आप लोग जिस सेमेस्टर में होंगे वहाँ पे आप लोग को सब कुछ दिया गया हुआ होगा। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि असाइनमेंट्स कैसे सबमिट करने होंगे। कोई भी मिलेगा एक्सेस पर क्लिक कर दीजिएगा। एक्सेस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे प्रैक्टिकल भी दिखेगा, यूनिट 1 का प्रैक्टिकल, जो टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, जो यूनिट पढ़ा रहे होंगे वही के वही सारे के सारे यूनिट आप लोग को दिख जाएंगे। तो प्रैक्टिकल में आप लोग का जो प्रैक्टिकल मिलेगा, असाइनमेंट्स, वर्कशीट, वो आप लोग का प्रैक्टिकल में सबमिट होगा। तो प्रैक्टिकल पे मैं क्लिक करता हूँ, देखो एक्सपेरिमेंट 2.4 और ये क्वेश्चंस मेरे को दिए गए हैं बनाने के लिए। और नीचे हम लोग का यहाँ पे एक गूगल ड्राइव में भी आप लोग अपना असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट कर सकते हो, दिख जाएगा आप लोग को, लिटरली दिख जाएगा। देखो एक्सपेरिमेंट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जो क्वेश्चंस है इस क्वेश्चंस को बना लेना है, कॉपी में सबमिट कर देना है। अब सबमिट कैसे करना है आप लोग को नीचे यहाँ पे दिख जाएगा कि हाँ आप लोग ड्राइव में जाकर के या फिर अपने माई कंप्यूटर में जाकर के डी ड्राइव में आपका जो असाइनमेंट्स वगैरह PDF वगैरह रखा हुआ होगा वहाँ से ला करके यहाँ पे आप लोग को पेस्ट कर देना है, नहीं तो डायरेक्ट एक्सेस लिंक मिलता है वहाँ से आप लोग अपलोड कर दोगे। सरप्राइज टेस्ट आप लोग को देखने को मिलेगा, क्विज देखने को मिलेगा, तो सारा कुछ प्रोसेस आप लोग को LMS पे देखने को मिलेगा। जो भी आप लोग को होमवर्क, क्लास वर्क सब कुछ दिए जाएंगे। देखो अटेम्प्ट क्विज ना हो ना, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे 6 क्वेश्चन है क्विज के, सारे के सारे आप
लोग यहाँ से ओवरऑल कर सकते हो, ताकि इससे भी मार्क्स आप लोग अच्छे से अच्छे उठा सकते हो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप सीयू के स्टूडेंट हो और आप लोग ये लोग नहीं कर रहे हो तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो फिलहाल यही थी आप लोग की LMS की कहानी। तो LMS पे आप लोग सब कुछ अपलोड कर सकते हो, CMS पे आप लोग अपना पूरा का पूरा फाइनेंशियल अकाउंट्स वगैरह सब कुछ देख सकते हो। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर मैंने इस वीडियो में कोशिश करी थी कि आप लोग को CMS ID के बारे में पता चल जाए और LMS ID के बारे में आप लोग को पता चल जाए। फिलहाल आप लोग को जो भी प्रॉब्लम है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपना जो दिक्कत होगा आप लोग जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आप लोग एक स्टूडेंट हो तो ये चैनल आप लोग के लिए ही। तो धन्यवाद दोस्तों।